दोस्तों आप देख रहे हैं ईवेक्स डिजाइन मास्टर चैनल और यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर डिजाइन या कोड करते हैं तो कौन से टूल आप यूज करते हैं, क्योंकि आजकल टूल जो हैं कोलैबोरेटिवली वर्क किया जाता है एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर के साथ, एक जो डेवलपमेंट का जो कोडर है एक दूसरे डेवलपमेंट के साथ। तो इस तरह से टूल्स को आपको एडॉप्ट करना काफ़ी ही एक मेन पॉइंट होता है। तो इसके लिए आपको हम टूल के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से टूल किसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप डिजाइन करते हैं या प्रोटोटाइप करते हैं तो कौन सा टूल यूज करते हैं, कोडिंग अगर यूज करते हैं तो आप किस सॉफ्टवेयर का या टूल्स का यूज करते हैं, उसके बाद इसी तरह से और भी सॉफ्टवेयर कौन कौन से आप यूज करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट टूल्स आई यूज फॉर डिजाइन एंड कोड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बताऊँगा कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोर जो एरियाज हैं उस पे आपको फोकस करना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप डिजाइन में ज़्यादा पसंद करते हैं या कोडिंग करना पसंद करते हैं या बिजनेस एनालिस्ट का वर्क करना चाहते हैं या मैनेजमेंट का टूल आप यूज करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के लेवल पे। यदि आप इंट्री लेवल की बात अगर मैं कहूँ तो इंट्री अगर करते हैं तो आप कोई एक फंक्शन एक फीचर को आप सेलेक्ट करते हैं, एक करियर को आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप डिजाइन कोडिंग बिजनेस या मैनेजमेंट। लेकिन सबसे आसान कौन सा है और कैसे कैसे हमारा प्रोफाइल इंक्रीज करता है इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा, क्योंकि अगर कोई भी अगर आप फ्रेशर लेवल पे या इंटर्नशिप पे ज्वाइन करते हैं तो यहां पे आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है ये आप डिजाइन या कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर डिजाइन कोडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस 4 या 5 साल की हो जाती है, तो उस केस में आप फिर मैनेजमेंट या बिजनेस लेवल पर आप वर्क करना पसंद करते हैं और इसमें आपकी सैलरी काफ़ी ग्रो होता है। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन और प्रोटोटाइप अगर करते हैं तो आपको यदि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो ये टूल्स आपको जानना ज़रूरी है। सबसे टॉप लेवल पे अभी जो मार्केट में जो टूल है वो है स्केचअप, इसका नाम आप सुने होंगे, जो कि काफ़ी ही डिजाइन के लिए बेटर माना जाता है यदि आप मोबाइल या वेब एप्लीकेशन के लिए डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ही ये तीन टूल अगर कहा जाए तो बेटर है, स्केच, फिगमा और एडोबी एक्सडी। एडोबी एक्सडी बहुत ही पावरफुल टूल है, जबकि फिगमा और स्केचअप भी ये कोलैबोरेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। तो डिजाइन और प्रोटोटाइप की बात करें तो सबसे अच्छा प्रोटोटाइपिंग की बात करूँ तो एडोबी एक्सडी सबसे बेटर माना जाता है प्रोटोटाइपिंग के मामले में, लेकिन डिजाइन के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। स्केचअप प्राइमरी लेवल पर अभी मार्केट में चल रहा है, उसके बाद फिगमा ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, एक साथ डिजाइनर अगर यूएसए में है या कनाडा में है, इंडिया में है या कहीं पे भी है तो एक ही फाइल पे मल्टीपल डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। वैसे अब एडोबी एचडी में भी है, स्केचअप में भी ये डिजाइन सिस्टम पे आप उस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो ये तीनों जो फीचर्स हैं, इनविजन में भी उस तरह का फीचर है, लेकिन सबसे अच्छा टूल अगर मैं आपको बताऊँ इंडिया में तो एडोबी एचडी और स्केचअप माना जाता है। फिगमा बेटर है, बट फिगमा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और विदाउट नेट के आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्केचअप में आप प्राइमरी लेवल रखिए, फिगमा प्राइमरी लेवल रखिए। एडोबी फोटोशॉप पहले यूज होता था जब ये सारे टूल्स नहीं थे, लेकिन एडोबी एचडी में आप डिजाइन उतना मैं नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल और वेब के लिए डिजाइन वहाँ पर करें। एडोबी एलस्टेटर में भी आप डिजाइन वहाँ पर न करें, और अगर आपको डिजाइन सीखना है तो एडोबी एचडी आपके लिए सबसे बेटर है इंडिया में। ये फ्री भी है, स्केचअप फ्री नहीं है इसलिए, और स्केचअप का एक मेन पॉइंट ये है कि आप केवल मैक में चला सकते हैं, एडोबी एक्सडी आप विंडोज और मैक दोनों में चला सकते हैं, फ्री भी है। फिगमा आपका ऑनलाइन गूगल ड्राइव जैसे गूगल की सॉफ्टवेयर जैसे भी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे वर्ड, एमएस वर्ड, ये जितने भी हैं गूगल ड्राइव के, ड्रॉपबॉक्स वगैरह पे वर्क होते हैं, सॉरी ड्रॉपबॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये गूगल ड्राइव की जितने भी पावर पॉइंट वगैरह फाइल हों वो फ्री होते हैं, उसी तरह से फिगमा भी वर्क करता है। तो आपके लिए एडोबी एचडी मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ही बेटर है। ये वायर फ्रेमिंग, डिजाइंस,
थर्ड पार्टी प्लगइन और प्रोटोटाइप भी इसमें अवेलेबल होता है। और प्रिंसिपल फ्लिंटो ये डिजाइन जितने भी हैं ये अब सारे ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी एक्सडी, स्केचअप और फिग्मा अगर सीखना है तो सीख सकते हैं। इनविजन है बट ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है, प्रिंसिपल फ्लिंटो एंड प्रोटोपाई की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग में आपका जो सॉफ्टवेयर है ये है VS कोड एडिटर, जो कि प्राइमरी लेवल पे HTML पता ही है आपको, CSS, JS ये सारे कोडिंग लैंग्वेज है, पोस्ट CSS और SAS, और उसके बाद ये जो है प्री प्रोसेसर CSS है, उसके बाद आप गिल्प है, उसके बाद कोडिंग लैंग्वेज फ्रेमवर्क है आपका, ऑटोमेट और कोडिंग वर्कफ्लो है इसमें। हाई लेवल वेब ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको बूटस्ट्रैप, मटेरियल डिजाइन और अदर्स थिंग्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो बिजनेस एंड फ्रीलांसर के लिए कुछ टूल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोडक्ट लेवल में काम करते हैं, प्रोडक्ट एज ए सीनियर मैनेजमेंट तौर पे अगर आप काम करते हैं, तो उस हर प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके रिपोर्ट्स को कैच करने के लिए, उसके टास्क को ट्रैक करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपको टूल्स जो है आना चाहिए, जो कि बिजनेस लेवल का है, जो कि आपके मार्केटिंग के बंदे या आपका बिजनेस जो हेड होते हैं वो सारे ये यूज करते हैं, जो कि Airtable है, जो CRM के अगर डिजाइन है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का, तो उसमें आप सारे ट्रैकिंग वगैरह को आप मेंशन कर सकते हैं। नोशन है, ये बहुत ही अच्छा टूल है, मैं भी यूज करता हूँ, तो इसमें डिजाइन प्रोसेस, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और काफ़ी चीज़ें हैं, आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी आप ओपन करके साइट पे जा करके देख सकते हैं। उसके बाद माइरो एफ है, उसके बाद कोलेब्रेशन, ईवेक्स फ्लो और आइडिएशंस के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें जानकारी होता है। तो उसके बाद माइंड नोट है, जिसमें कि जर्नी एंड यूजर फ्लो डिफाइन किया जाता है। आईए राइटर वन ऑफ द फेवरेट एप राइटिंग ब्लॉग्स एंड कंटेंट के लिए, गूगल एक्सेल सीट तो आपको पता ही है कि रियलिस्टिक डिजाइन डेटा ये सब मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका डिजाइन दोस्तों जो था ये काफ़ी है यूजफुल है फ्रीलांसर और बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो ये सारे टूल आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको और भी सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा हट करके सॉफ्टवेयर है, जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज होता है, या आप वीडियो वगैरह प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो का नाम सुने होंगे, प्राइमरी एडिटिंग टूल है, एडोबी प्रीमियर है जिसमें आप सेकेंडरी एडिट टूल आप यूज करते हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स से बाद जो भी इफेक्ट्स बनाते हैं एडोबी प्रीमियम में आप उसको एनिमेट कराते हैं। और उसके बाद कीनोट एक पावर पॉइंट जैसा ही स्लाइड है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। उसके बाद आपका ड्रॉपबॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स प्राइमरी स्टोरेज है जहाँ पे कि आप डेटा को सेव कर सकते हैं, जैसे स्केच, एडोबी एक्सटी, फोटोशॉप की फाइल वहाँ पे रख करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, जिससे किसी भी सिस्टम पे ब्राउज करने में आसानी होती है। स्लैक आपका एक क्लाइंट कोलेब्रेशन टूल है जहाँ पे आप कोड वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये स्काइप के जैसा है बट ये सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी में काफ़ी फेमस है। जेपलिन थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसमें कि आप जितने भी स्केचअप, एडोबी एक्सडी, फिग्मा और फोटोशॉप की फाइल होती हैं डिजाइन का, वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें एक्सपोर्ट करने के बाद सारे कलर्स, डिजाइन का एसेट्स, मार्जिन्स और ये कोड जो है स्विफ्ट, HTML, CSS ये सारे जो ऐसे ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जो डेवलपर और डिजाइनर के बीच में काफ़ी ही हेल्प करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो अच्छा लगता है, जिसे आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे, जो कि जिसमें कि मैंने ये सारे चीज़ें आपको बताया। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों थैंक यू।